चलिए अब आपको दिखाते हैं एक खतरनाक खबर। कोरोना वैक्सीन नहीं आई नहीं है, लेकिन वैक्सीन के लुटेरे आ चुके हैं। वैक्सीन के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में भोपाल में कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें पुलिस अब जांच कर रही है। तो अभी तक दुनिया के चंद देशों के गिने चुने लोगों तक ही कोरोना की वैक्सीन पहुंची है, लेकिन महामारी से बचाने वाली इस खबर को देखना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैक्सीन के लुटेरों से सावधान, वैक्सीन आई नहीं, ठग पहले आ गए। वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान। कोरोना वैक्सीन के नाम पर अगर आपके पास भी कोई फोन आए तो सावधान हो जाइए, हो सकता है कि कहीं वैक्सीन वाले रैकेट के जाल में आप फंस न जाएं। मध्य प्रदेश में वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठग सक्रिय हैं, जो लोगों को फोन कर पेमेंट के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामले भोपाल में सामने आए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को जल्द प्रोवाइड कराने का लालच देकर लोग ओटीपी के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल के साथ ही ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वैक्सीन भारत में होगा, लेकिन वैक्सीन आने से पहले ही वैक्सीन को लेकर ठगी के मामले मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गए हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में साइबर पुलिस ने ऐसी कई शिकायतें अपने पास ली हैं, जिनके माध्यम से ये पता चला है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों से ठगी की जा रही है और ओटीपी के माध्यम से उनसे पैसे ऐठे जा रहे हैं। ये बताया जाता है कि 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में सबसे पहले आपको अगर कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सिर्फ भोपाल ही नहीं, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस ने इसी तरह का इनपुट लिया है, जिसके माध्यम से ये पता चला है कि कुछ लोग लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ जालसाजी कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की जा रही है। भोपाल के साइबर एडिशनल एसपी रजत सकलेचा ने वैक्सीन के नाम पर ऐसी शिकायतों की पुष्टि की है। भोपाल साइबर सेल में अभी तक 2-3 कंप्लेंट्स इस तरह की आई हैं, जिसमें कि कोविड वैक्सीन का लालच देके अलग अलग तरीके से हुआ है। एक है कि कोविड वैक्सीन के लिए कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उतना सस्ता आपको वैक्सीन मिलेगा। उसी लालच में झांसे में आकर लोग उसको कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, ओटीपी के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है। दरअसल वैक्सीन का रैकेट चलाने वाले लोगों को फोन कर वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की मांग करते हैं और फिर ओटीपी मांग कर उनके अकाउंट से पैसे साफ कर देते हैं। वैक्सीन रैकेट चलाने वाला ये भी बताता है कि देश में 130 करोड़ की आबादी में वैक्सीन लगाने वालों की मारामारी है, इसलिए अगर जल्दी वैक्सीन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके लिए पहले पेमेंट करनी होगी। इसी ट्रैप में लोग फंस रहे हैं। कुछ ऐप्स भी गूगल ऐप स्टोर पे आ गई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो तत्काल सबसे पहले जब प्रेफरेंस आएगी, क्योंकि 130 करोड़ जनता है और टीके की संख्या उसके अनुपात में कम है, तो आप अगर जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको जल्दी टीका मिलेगा। तो अगर आपके पास भी कोरोना की वैक्सीन बुक कराने को लेकर किसी का फोन आ जाए तो उसे ना तो पासवर्ड ओटीपी की जानकारी साझा करें और ना ही कोई पेमेंट करें, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर होगा भी तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या एजेंसियों से मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं भोपाल का, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने तो कहा है कि देखिए कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, बिल पास होने जा रहा है विधानसभा में, वैक्सीन के नाम पर अगर कोई भी मिलावट करेगा तो सख्त से सख्त सजा, लेकिन इस तरीके के जो साइबर अपराध हैं इसको रोकने के लिए किस तरीके से तैयार है मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मामले सामने निकल कर आए हैं उसके बाद से लगातार साइबर पुलिस उस चीज़ पर फोकस कर रही है कि आखिर जो कॉल्स थे वो कहाँ से आते थे और जिस प्रकार से कॉल जनरेट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में सिस्टम में जनरेट होते हैं कॉल और जिस प्रकार से बैंक या कोई दूसरी एजेंसियाँ फ़ोन करती हैं उसी माध्यम से ये फ़ोन लोगों के पास पहुँचे और इन्हें ये लालच दिया गया है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत के अंदर और अगर ऐसे में आपको सबसे पहले वैक्सीन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का कुछ शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार के जो मामले हैं ये पूरी तरीके से फ्रॉड होने हैं, क्योंकि कुछ जागरूक
जागरूक लोगों ने जाकर साइबर पुलिस पर इसकी कंप्लेंट भी कराई है, FIR भी दर्ज कराई है और अब साइबर पुलिस आए हुए कॉल की जो तहकीकात है उसको करने में जुट गई है। और उसके लिए सिर्फ साइबर पुलिस मध्य प्रदेश ही नहीं, साइबर पुलिस ने भारत की अलग अलग जो पुलिस की टुकड़ियाँ होती है, जो विभाग होते हैं, उनसे भी मदद मांगी है कि वे भी इस तरह के अगर कॉल्स आ रहे हैं तो उनको डिस्क्यूज करने में सामना करें। क्योंकि देखिए ये एक बड़ी ठगी मानी जा सकती है, जहाँ एक कोरोना का खतरा पहले से ही लोगों को डरा रहा है और अगर ऊपर से उसी कोरोना की वैक्सीन के नाम पर भारत में ठगी होगी तो वाकई में अपने आप में एक काफी बड़ी खबर हो जाती है और लोगों को भी सचेत रहने की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह के कॉल्स आपके पास आते हैं तो आपको खबरदार रहना। इसीलिए इस तरीके की लगातार अपील भी सरकारी एजेंसियों की तरफ से की जा रही है कि इस तरीके की धोखाधड़ी से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए।